नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिक्षकों का आह्वान, कहा विद्यार्थियों के फायदे के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से अवगत रहें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को कहा। भारत और बल्गारिया ने असैन्य परमाणु सहयोग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, निवेश और पर्यटन के बारे में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और अमरीका के बीच कल होने वाले 2+2 डायलॉग में भाग लेने के लिए अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने दिल्ली पहुंचे। और भारत ने दक्षिण कोरिया में फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शिक्षक बच्चों को प्रेरित, शिक्षित और सूचित कर उन्हें प्रबुद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज शिक्षकों को अपने पत्र में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके द्वारा स्थापित जीवन मूल्य जीवनभर विद्यार्थियों के साथ रहते हैं। श्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र करते हुए कहा है कि अध्यापन एक महान व्यवसाय है जो बच्चों के चरित्र और क्षमताओं का विकास कर उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे स्वयं भी नई टेक्नोलॉजी और ज्ञान को अपनाएं ताकि विद्यार्थियों को इसका फायदा मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षक दिवस पर आज नई दिल्ली में 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार विद्यालयों में शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी। इसके तहत रजत पदक, प्रमाण पत्र और 50,000 रूपये नकद दिए जाते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति में शिक्षकों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारतीय सांप्रदाय और विचारधारा में गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान की आभा को फैलाना केवल गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए गुरु को हम भगवान के प्रतिरूप मानते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महानुभावों को सादर सत्कार करने के लिए आज हम सम्मिलित हुए हैं। श्री नायडू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो और महात्मा गांधी ने शिक्षा का यही मूल सिद्धांत बताया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 45 शिक्षकों का चयन उनके अच्छे कार्यों के आधार पर किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को बधाई दी है। आकाशवाणी से बातचीत में पुरस्कार प्राप्त एक अध्यापक ने इस पुरस्कार के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। हमने अपने स्कूल को जनपद का पहला स्मार्ट स्कूल बनाया है। यह अवार्ड पाके हमें बहुत ही खुशी है। धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार को, जिसने इस साल ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करके हमारे जैसे युवा शिक्षकों को मौका दिया कि हम इस प्रक्रिया में अपने आप को ला सकें और नेशनल अवार्ड के लिए अपनी चीजों का प्रेजेंटेशन कर सकें। एक अन्य अध्यापक ने भी पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। 45 के 45 टीचर्स के काम की एक वीडियो बनाई गई जो हमें दिखाई गई। इससे हमें दूसरों के कामों के बारे में जानकारी मिली और इससे हमें ये प्रेरणा मिली कि हम और क्या आगे कर सकते हैं शिक्षा के फील्ड में। और हमारी अब ये जिम्मेवारी बनती है कि जितना सम्मान और प्रोत्साहन हमें दिया गया है उसके चलते हम और अच्छा काम करें, औरों को इंस्पायर करें और कम्युनिटी को अपनी सर्विसेज और बेहतर तरीके से दें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने विद्यालयों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने कहा है कि ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों का आधार पंजीकरण कराए। प्राधिकरण ने कहा है कि विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनने तक उनकी पहचान वैकल्पिक माध्यमों से कर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रखते मजबूती रादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया के। रखते मजबूती रादे, रहते हम सबसे आगे। 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली, सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
सड़क पर कचरा देखते ही रुमाल, दुपट्टा, हाथ कपड़ा, हेलमेट सब निकाल लेते हैं और नाक बंद कर बैठ जाते हैं, जिससे उसकी गंदी बदबू आप तक ना आए। लेकिन रुमाल, हेलमेट, दुपट्टा निकालने की बजाय अपना फोन निकालिए और कचरे के ढेर की फोटो खींचकर स्वच्छता ऐप पर अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मुंह फेरने से नहीं, स्वच्छता आएगी कर्म करने से। तो अपने हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी के बनिए भागीदार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने शहर को आगे बढ़ाएं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जनहित में जारी। आज प्लास्टिक पोल्यूशन से नदी और समुद्र में मछलियां और कछुए मर रहे हैं और सड़कों पर मवेशी भी, पर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं अपना डोनेशन देकर। डोनेशन देने के लिए अगली बार जब बाजार जाएं तो कपड़े या जूट का बैग साथ ले जाएं और प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल ना करें। आपका ये छोटा सा डोनेशन है पर्यावरण में बड़ा योगदान, और यही है आपका ग्रीन गुड डीड। ग्रीन गुड डीड्स मतलब कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण हित में जारी। रमेश, क्या कर रहा है भाई? आओ जगदीश, मैं तो नए भारत के निर्माण में लगा हूँ। तू नए भारत के निर्माण में, और वो भी सिर्फ इस लैपटॉप से? भाई, अपना एडवांस टैक्स समय पर भर रहा हूँ और इसी से तो होगा नए भारत का निर्माण। बिल्कुल सही, आप जो भी इनकम टैक्स के रूप में भरते हैं, हर वो रुपया आपके लिए और देश के लिए ही खर्च किया जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, देश की सुरक्षा हो या नई सुविधाओं का निर्माण। आइए मिलकर हम करें नए भारत का निर्माण। समय पर इनकम टैक्स देकर करें अपना योगदान। तो जल्दी करिए 15 सितंबर 2018 या उससे पहले अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त का भुगतान करिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और बल्गारिया ने असैन्य परमाणु सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बल्गारिया यात्रा के दूसरे दिन आज दोनों देशों ने निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और सोफिया विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। भारत और बल्गारिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रम पर भी दस्तखत किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि दोनों देश आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बल्गारिया की अपनी यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत और बल्गारिया के बीच ईसा पूर्व चौथी सदी से चले आ रहे संबंधों से शुरुआत करते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने इस सहयोग में नौजवानों और छात्रों के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत के द्वारा की गई उपलब्धियां गिनाई और दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभदायक सहयोग के बिंदुओं पर जोर दिया। आज बल्गारिया के साथ हुए नागरिक नाभिकीय समझौते और बल्गारिया द्वारा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी में भारत का समर्थन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत दुनिया के पैमाने पर बड़ी भूमिका निभाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, सोफिया, बल्गारिया। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मॉटिस आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने उनकी अगवानी की। अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो पहले ही नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन कल नई दिल्ली में अमरीका के विदेश और रक्षा मंत्रियों से बैठक करेंगी। श्री पोम्पियो और श्री मॉटिस कल संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे। व्यापार, आतंकरोधी कार्रवाई तथा H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन के फैसले सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। ईरान से कच्चे तेल के आयात पर अमरीकी प्रतिबंध तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के विषय पर भी बातचीत हो सकती है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत न मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से आधार कार्ड बनवाया था इसका। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। आज खाने में क्या है? आज है खिचड़ी, दही, दलिया, मसाला केला और आम। अरे अरे, ये क्या क्या बना दिया? आपके लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए। अच्छा, 6 महीने बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ घर का खाना दें, ताकि वो तेज और तंदुरुस्त बने। याद रखिए, एक बार नहीं, 3-4 बार खिलाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। लो दीदी, आ गया अस्पताल। डॉक्टर,
यहाँ तो बहुत साफ सफाई है। जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं। स्वच्छता का संकल्प करें स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। सफल रूप से कायाकल्प करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इनाम भी मिलेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की पहल। दो हफ्तों में अपने बच्चे को दे जीवन दान, जिंक की गोली 14 दिन दे दस्त के दौरान। ORS और जिंक की गोली बड़े काम की है ये जोड़ी। अगर आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दे 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें। जिंक की गोली 14 दिन। माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। असम में 36 लोगों को ले जा रही एक मोटर चालित नाव गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में पलट गई। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। अभी तक 2 शव मिले हैं और 15 लोगों को बचा लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इस नाव में यात्रियों के अलावा सामान और कुछ मोटरसाइकिलें लदी थीं। एक रिपोर्ट। ब्रह्मपुत्र नामक नाव की इंजन बंद होने के बाद अस्तकलंदा मंदिर के पास एक खंभे से टकरा गया। नाव में अतिरिक्त यात्रियों को ले जा रहा था और पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं था। प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बचाव अभियान की निगरानी के लिए घटनास्थल का दौरा किया है। इस बीच अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग ने घटना के बाद ब्रह्मपुत्र में अस्थायी रूप से देशी नाव की यातायात पर पाबंदी लगा दी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सोच और पहल से छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्यों ने प्रगति की है। छत्तीसगढ़ में डोंडरगढ़ कस्बे से अटल विकास यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य ने विकास की दिशा में लंबी छलांग लगाई है। ये प्रदेश की समृद्ध धरती के नीचे इतनी समृद्धि है जो पूरे भारत को आगे ले जाए, मगर ये प्रदेश गरीब था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना की और 3600 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुंबई की एक निचली अदालत ने 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही स्थगित कर दी है। इन्होंने गैरकानूनी गतिविधि निवाकरण अधिनियम के अंतर्गत उन पर की जा रही कार्यवाही की वैधता को लेकर सवाल उठाए थे। भीड़ की हिंसा के मामले पर विचार के लिए गठित मंत्रियों के समूह की आज नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के पैनल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार किया गया। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए नया कानून बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कुछ समय पहले सचिवों का पैनल गठित किया गया था। दक्षिण कोरिया के चांगवन में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में आज दिव्यांश सिंह पवार और श्रेया अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। दिव्यांश और श्रेया ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम जूनियर वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। भारत इस टूर्नामेंट में अब तक 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीत चुका है, जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा है कि वे विद्यार्थियों के फायदे के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से अवगत रहें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा देने को कहा है। भारत और बल्गारिया ने असैन्य परमाणु सहयोग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, निवेश और पर्यटन के बारे में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अमरीका के बीच कल होने वाले 2+2 डायलॉग में भाग लेने के लिए अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस नई दिल्ली पहुंच गए हैं। और भारत ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप की मिक्स्ड जूनियर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।